नो सर। सर। ओके देन स्टार्ट करते हैं फिर। ओके नाउ क्वेश्चन है, स्टेट द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है, कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है वगैरह वगैरह। हम लोग एक्चुअली उसी बारे में बात करेंगे आज कि कैसे कलेक्ट करना है, रॉ डेटा क्या होता है, कैसे उसको प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग दीज डेटा। आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे, कौन कौन सा ऐसा मेथड्स है जिसके जरिए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी डेटा में इधर भी कलेक्टेड थ्रू द ऑब्जर्वेशन मेथड और थ्रू द क्वेश्चनेयर मेथड। ठीक है, यहाँ पे दो ही मेथड्स के बारे में बोला जा रहा है, बट यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन द ऑब्जर्वेशन मेथड द इन्वेस्टिगेटर आस्क नो क्वेश्चन। नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब ये है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना, चीजों को आप ऑब्जर्व सिर्फ करके उसके बेसिस पे उसका जो है डेटा लिख रहे हो, है ना। सो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बट ही सिंपली ऑब्जर्व द फिनोमिनन अंडर द कंसिडरेशन। जिस भी फिनोमिनन को वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई बंदा हो या कोई सिचुएशन हो या कोई कंडीशन हो, है ना, कई बार कोई कंडीशन होता है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है कि इस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो उसको ऑब्जर्व करना फिनोमिनन मतलब वो सारी चीजें हो गई, है ना। तो जो भी कंसिडरेशन में होगा उसको ठीक तरीके से सिंपली उसको ऑब्जर्व करना है कि कब क्या हो रहा है। जैसे कि बोलते हैं ना कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्रीज है, या जो भी है यस सर, 100 डिग्रीज ही है, तो 100 डिग्रीज में यस सर, वो 100 डिग्री बॉइल सेल्सियस था ना, या वो, या तो 100 डिग्रीज सपोज है तो 100 डिग्रीज ही है, ये यस आपको कैसे पता चला। ये तो सवाल नहीं पूछा गया ना पानी से कि भाई तुम कितने कितने डिग्री में खोलोगे, है ना। हम लोगों ने क्या किया, उसको ऑब्जर्व नो सर, किया। तो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन यस वाली ही सर, बात है यहाँ पे कि चीजों को जो भी फिनोमिनन होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और डेटा को जो है लिखा जाता है। ठीक है, अंडर कंसिडरेशन रिकॉर्ड्स द नेसेसरी डेटा। समटाइम्स इंडिविजुअल्स मेक द ऑब्जर्वेशन एंड सॉरी सेमी कॉलन ऑन अदर ओकेजंस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डू द जॉब। कई बार क्या होता है कि लोग रिकॉर्ड करते हैं और कई बार क्या होता है कि जो मशीन्स हैं, जो मैकेनिकल मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो रिकॉर्ड करती हैं। जैसे कि सपोज आपको आप ऑफिस कितने बजे आ रहे हो और कितने बजे जा रहे हो। पहले के टाइम पे क्या होता था कि आकर के आपको सिग्नेचर करना पड़ता था। अभी भी बहुत सारे ऑफिस में क्या है कि लोगों को सिग्नेचर करना पड़ता है, ये मेरा अराइवल टाइम है, ये मेरा डिपार्चर टाइम है। लेकिन बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में खासकर अभी क्या हो गया है कि अभी उन लोगों ने वो पंचिंग क्या कहते हैं, वो पंचिंग कार्ड वाला जो है सिस्टम वो स्टार्ट कर दिया है। कार्ड पंच कीजिए, जो आपका आईडी कार्ड है वो दिखाइए, आपका जो है अटेंडेंस बन जाएगा, पता चल जाएगा कि आप कब आए कब गए, है ना। कई बार नो थंब ठीक इम्प्रेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को करने के लिए। तो जो भी डेटा आपको रिकॉर्ड करना है उसके लिए जो चीजें हैं, पहले इंडिविजुअल्स करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर मैकेनिकल हो गया है चीजें, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं वो करते हैं। ठीक है, इन द ऑब्जर्वेशन मैथड इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस एक्यूरेट डेटा। ऑब्जर्वेशन मैथड में एक्यूरेट डेटा निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। ऑब्जर्वेशन डेटा और जो ऑब्जर्वेशन है वो जनरली अगर आप किसी बंदे का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसको अगर आप चेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां से आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल चीजें जो है वो पता चलेंगी, बाकी उसका पर्सनल वो कैसा है, पर्सनली कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसको करने के लिए आपको उससे सवाल जवाब पूछने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो कई बार आपको एक्यूरेट डेटा नहीं देता है, बहुत डिफिकल्ट होता है एक्यूरेट डेटा को निकालने में। फिजिकल डिफिकल्टीज ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन मे रिजल्ट इन एरर्स। और जो ऑब्जर्वर है उसके पास उसको अगर किसी तरह की फिजिकल डिफिकल्टी होगी ऑब्जर्व करने में, ऑब्जर्व करना मतलब अपने आंखों को खुला रखना, है ना, तो उसको अगर उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जो रिजल्ट है उसमें किसी भी तरह का एरर देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस इन द ऑब्जर्वेशन मैथड द क्वेश्चनर मैथड इज मोर वाइडली यूज फॉर कलेक्टिंग डेटा। सो इसी को अवॉइड करने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए, इसी ये जो प्रॉब्लम है ऑब्जर्वेशन मैथड में इसको दूर करने के लिए लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चनेयर मैथड का इस्तेमाल किया। क्वेश्चनेयर मैथड का मतलब क्या होता है कि आप सवाल जवाब पूछ रहे हो अपने जो भी आपके लोग हैं, जिसके जिसका भी आप इंटरव्यू ले रहे, मतलब जिसका भी जिसके ऊपर भी आप रिसर्च कर रहे हो, उससे आप एक तरीके से सवाल जवाब कर रहे हो। कई बार वो लोग अपने मर्जी से अच्छा जवाब देते हैं, कई बार गलत जवाब भी देते हैं, तो यहाँ पे भी फॉल्ट होने का, गलत होने का चांसेस होता है। लेकिन जब आप सवाल जवाब पूछते हैं तो वहां से जो जो डेटा निकल करके आता है वो कंपैरेटिवली ऑब्जर्वेशन मेथड के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, कलेक्टेड डेटा इन द क्वेश्चनेयर मेथड द इन्वेस्टिगेटर ड्रॉज अप क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस वो लोग निकाल करके रखेगा, क्वेश्चनेयर निकाल के रखेगा, कंटेनिंग ऑल द रिलेवेंट क्वेश्चन। जो जवाब आपको चाहिए, जो रिसर्च आपका है, टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सवाल पूछना है ना।
आप ये तो नहीं पूछ सकते कि आप सुबह में कितने बजे उठ रहे हो। आपको अगर ये चेक करना है कि वो बंदा कितनी देर पढ़ाई कर रहा है, तो कितने बजे उठ रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई कितने देर तक कर रहा है वो आपके लिए ज्यादा मैटर है, करता है। तो आप उससे उसी से रिलेटेड सवाल पूछोगे, तो जो रिलेवेंट क्वेश्चन होगा आप उसका एक पूरा क्वेश्चनेयर बनाओगे, ठीक है ना, कि मंडे को कितने बजे घंटे पढ़ाई की थी, ट्यूजडे को कितने घंटे पढ़ाई की, टोटल आपने एवरेज निकाला कि एक हफ्ते में कितने घंटे बंदा जो है पढ़ाई कर रहा है ना। तो एक क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, क्वेश्चन मतलब एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे आप रिलेवेंट क्वेश्चंस लिखते हो और फिर उसी को पूछते हो, विच ही वॉन्ट्स टू आस्क फ्रॉम हिज रिस्पॉन्डेंट एंड अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड द रिस्पॉन्सेस। सिंपल क्वेश्चनेयर मेथड मे बी कंडक्टेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू और बाय मेल और टेलीफोन। अब ये तरीके हैं जिसके जरिए क्वेश्चनेयर मेथड को इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहला है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, पहले मैं इसी को बाइफुर्केट करने की सोच रहा था, बट ओवरऑल देखा जाए तो दो ही है। अब उन दोनों के अंदर फिर उसके अलग अलग टाइप्स हैं। अगर आपको सवाल जवाब पूछना है तो कई बार क्या होता है कि 1-to-1 होता है, मतलब इंटरव्यू आप ले रहे हो, ठीक है ना। कई बार क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन मेल कर दिया, मेल वाला आई डोंट नो आप लोगों ने किया है कि नहीं किया, अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, जो अगर करेंगे तो कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू वगैरह जो है सारी की सारी चीजें अभी के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑनलाइन चीजें जो है वो हो रही है, तो कई बार क्या होगा कि मेल में आपके पास जो है क्वेश्चन आ जाएगा, वो एक ऑप्शन है। तीसरा है टेलीफोन का, कि आपको कॉल करके आपसे बात की गई कि भाई बताइए हमें क्या प्रॉब्लम है आपको, मेरा मतलब है जो भी इंटरव्यू के सवाल होंगे वो लोग पूछेंगे, ठीक है। तो इसी को फिर डिटेल में बताया गया है। पर्सनल इंटरव्यूज भाई 1-to-1 फेस-टू-फेस होगा चीजें यहाँ पे। इन दिस मैथड द इंटरव्यूअर सिट्स फेस-टू-फेस विद द रिस्पोंडेंट एंड रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स। सिंपल, इन दिस मैथड द इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी मोर एक्यूरेट, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसके ज्यादा एक्यूरेट होने का चांसेस है, एंड द रिलायबल बिकॉज द इंटरव्यूअर कैन क्लियर अप द डाउट एंड क्रॉस चेक द रिस्पॉन्डेंट, ठीक है ना। ये रिलायबल क्यों है, ये इसलिए रिलायबल है क्योंकि अगर आपको कोई जवाब सही नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि ये जवाब जो है थोड़ा बनाया हुआ है या घुमा फिरा के दिया जा रहा है, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप फेस टू फेस बैठे हुए हैं, आप आराम से उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, तो जो डेटा यहाँ से निकल करके आएगा वो डेटा ज्यादा एक्यूरेट निकल करके आएगा, इसलिए ये बात बोली जा रही है। दिस मैथड इज टाइम कंज्यूमिंग, हालांकि ये मैथड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट होता है एंड कैन बी वेरी कॉस्टली। जैसे कि डॉक्टर से हम लोग कंसल्टेशन लेने जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, तो डॉक्टर हमें सिर्फ 5 या 6 मिनट देखेगा, बट उसकी फीस 500, 600, 700, 1000, जैसा डॉक्टर होगा उसके वैसी जो है फीस होगी। तो कंसल्टेशन फीस जो होता है यहाँ पे कितना हाई होता है, उसी तरीके से अगर आप किसी बंदे को बैठाओगे इंटरव्यू लेने के लिए, फ्री में तो नहीं करेगा वो क्या करेगा, आपसे कॉस्ट चार्ज करेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी हाई। दैट इज वाई दे आर सेइंग दैट इट इज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज इट इज वेरी कॉस्टली, है ना, कॉस्टली भी है। इफ द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट इज लार्ज एंड द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर रिस्पॉन्डेंट ज्यादा होंगे, अगर 10 लोग हैं तो और ज्यादा। जैसे अभी आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे, पता है ना आप लोगों को, थर्ड सेमेस्टर में जो गाइड आपको मिलेगा, उस गाइड को हर एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स को वो गाइड करेगा, हर एक स्टूडेंट को उसको 300 रुपए मिलेंगे। सपोज उसके पास 100 स्टूडेंट है, तो 100 × 300 इक्वल टू 30,000 आई गेस, तो उसको 30,000 रुपए मिलेंगे आपको गाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये रूल है, सेट ऑफ रूल्स है, नोटिफिकेशन भी इसको लेकर के था, मैंने पढ़ा था, तो ये इग्नू ही आपको प्रोवाइड करेगी एक्चुअली, और थर्ड सेमेस्टर में आपको करना होगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला एग्जाम दे लीजिए, फिर वो क्या करना है कैसे करना है आजकल, ठीक ठीक है। सो ऐसे होगा, कॉस्टली होता है। है। मेल क्वेश्चन एयर तो बात से समझ में आ रहा है कि मेल पे आपने क्वेश्चन भेज दिया, बंदे ने मेल पे ही आंसर दिया और आपको वापस से रिवर्ट कर दिया, ठीक है। इन दिस मैथड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड एंड मेल टू द रिस्पोंडेंट्स, और रिस्पोंडेंट्स को मेल कर दिया जाता है। द रिस्पोंडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिल इन द क्वेश्चनेयर एंड सेंड इट बैक टू द इन्वेस्टिगेटर। समटाइम्स मेल क्वेश्चनेयर प्लेस इन रिस्पोंडेंट्स हैंड्स थ्रू अदर मीन्स सच एज अटैचिंग देम टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और पुटिंग देम इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। ऐसा भी देखने को मिलता है कि मेल का मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल का मतलब फिजिकल मेल भी हो सकता है। जैसे चिट्ठियां हम लोग इकट्ठा करते हैं ना, चिट्ठी हमारे पास पहले आता था, तो चिट्ठियों के साथ क्वेश्चन क्वेश्चनेयर लगा दी, या फिर आप देखना कि अभी के टाइम पे जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, तो उसमें फीडबैक का एक पेज रहता है, फीडबैक का एक कार्ड होगा जहाँ पे आपको फीडबैक लिख करके उनको व्हाट्सएप करना होगा या ये करना होगा, और उसके बदले फिर वो लोग आपको कैशबैक भी देंगे, वो लोग फीडबैक ले करके कैशबैक देते हैं। तो ये भी एक चीज है जो कि वो लोग करते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मेल मतलब जरूरी नहीं है कि ईमेल, मेल मतलब आपका फिजिकल मेल भी हो सकता है,
ठीक है, वही बात बोला जा रहा है कि समटाइम्स मेल क्वेश्चनर प्लेज इन रिस्पॉन्डेंट्स हैंड्स, कई बार उनके हाथ में दे दिया जाता है कि भाई आप बताओ, या फिर अदर तरीके जैसे कि प्रोडक्ट के साथ ही दे दिया है ना, न्यूज़पेपर या मैगजीन के साथ दे दिया, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यू नो आस्किंग थ्रू मेल क्वेश्चनेयर्स। ठीक है, दिस मैथड कैन बी इजिली अडॉप्टेड वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वास्ट। इस मैथड को बहुत ही इजिली अडॉप्ट किया जाता है कहाँ पे, जब आपका जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा वास्ट एरिया है, एंड द रिस्पॉन्डेंट्स आर स्प्रेड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। रिस्पॉन्डेंट जो है वो कई बहुत सारे जगहों से आपके रिस्पॉन्डेंट्स हैं, है ना। सपोज ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे आप कुछ कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्डेंट सिर्फ कोलकाता में बैठा होगा या दिल्ली में बैठा होगा या मुंबई में बैठा होगा, उससे तो होगा नहीं भाई, है ना। तो उस केस में आपको हर एक जगह का लगेगा, तो वो बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, बट दिस मैथड कैन बी अडॉप्टेड ओनली वेर द रिस्पॉन्डेंट्स आर लिटरेट। डेफिनेटली क्वेश्चन में बोल दिया गया है ये सिर्फ उन्हीं के लिए हो सकता है जो लोग लिटरेट्स हैं, जो अनपढ़ हैं जाहिल हैं वो लोग तो कर नहीं सकते, जो पढ़े लिखे हैं वही आपके सवालों का जवाब देंगे, राइट। तो ये मेथड तभी इस्तेमाल हो सकता है जब बंदा जो है वो लिटरेट हो, ठीक ना। तो ये भी एक वन ऑफ द क्वेश्चन टॉपिक है। तो सपोज आपको ऐसे बंदे से क्वेश्चन एयर करना है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसको मेल क्वेश्चन, उस केस में आप क्वेश्चन एयर उसको मेल तो नहीं कर सकते, आपको उसको उसमें फेस टू फेस ही करना पड़ेगा। तो हर एक मेथड का यू नो कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान है ना। तो किस मेथड का यूज आपको कब करना है, ये आपको अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है आपको चूज करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये हो गया। एंड कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देम। टेलीफोनिक है ना, चीजें टेलीफोनिक भी होती हैं, इंटरव्यू वगैरह जो है टेलीफोनिक भी लिया जाता है। सो इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर आस्क्स द रेलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ओवर द टेलीफोन। ठीक है, दिस मेथड इज लेस टेलीफोन एक्सपेंसिव, ये ज्यादा खर्चीला नहीं होता क्योंकि फोन पे बात हो रही है, और अभी के टाइम पे तो फोन में आप 24 घंटे बात करो कोई चार्जेस आएगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का आपने पैक भरवा भरवा के रखा है, तो ये थोड़ा कम कॉस्टली होता है। और आप सोचिए कि अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो कितने ज्यादा लोगों को आप फोन पे चेक कर पाएंगे। फेस टू फेस अगर करेंगे तो आपको ऑफिस जाना होगा, उसको ऑफिस बुलाना होगा, टाइम देना होगा, ऐसे आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टेलीफोनिक इंटरव्यू अरेंज कर सकते हैं। तो टेलीफोनिक ज्यादा इजी है, लेस एक्सपेंसिव है ना, वही बात बोली गई है। बट इट हैज अ लिमिटेड एप्लीकेशन, यहाँ पे देखो इसका लिमिटेशन भी बताया गया है, लिमिटेड एप्लीकेशन सिंस ओनली दोज रिस्पोंडेंट्स कैन इंटरव्यू हु हैव टेलीफोन्स। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, मेल में जब आप मेल भेज रहे हो तो बंदे को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी तो वो क्वेश्चन को समझेगा और आपको जवाब देगा। टेलीफोनिक में भी वही प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसे बंदे से पूछ रहे जिसके पास टेलीफोन है ही नहीं तो आप उससे कैसे पूछोगे, राइट। सो टेलीफोन का होना भी बहुत जरूरी है। मोर ओवर वेरी फ्यू क्वेश्चन कैन बी आस्क ऑन टेलीफोन। अब टेलीफोन में आप आधे घंटे तो पूछोगे नहीं, है ना, तो जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, वो भी छोटी होगी। उसी में जो है आपको जज करना है बंदे को कि बंदा कैसा है। ठीक है, उसके बाद द क्वेश्चन एयर मैथड इज वेरी इफिशियंट एंड फास्ट मैथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। जो क्वेश्चन एयर मैथड है वो बहुत ज्यादा एफिशियंट होता है और फास्ट मैथड होता है कलेक्ट डेटा को कलेक्ट करने का, बट इट हैज अ वेरी सीरियस लिमिटेशन। इसका जो लिमिटेशन है वो काफी सीरियस है, एज इट मे बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जस्ट सेकेंड मैसेज आया मेरे पास स्टूडेंट का। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कलेक्ट डेटा ऑन सर्टेन सेंसिटिव एस्पेक्ट सच एज इनकम, एज एंड पर्सनल लाइफ डिटेल्स। अब कोई भी बंदा अपने इनकम को लेकर के, अपने एज को लेकर के और पर्सनल लाइफ डिटेल्स को लेकर के बहुत ज्यादा ओपन नहीं होता है, हो सकता है कि आपको ये सारा चीज जो है वो लोग ना बताना चाहे। कोई अगर आपसे अचानक से आकर के आपका एज पीछे तो आप नहीं बताओगे, है ना, कोई आपसे आकर के आपका इनकम पूछे आप नहीं बताओगे। तो क्वेश्चन एयर मैथड में ये एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे जब भी कोई सेंसिटिव डेटा आप पूछने की कोशिश करो, जैसे कि मैं अभी आपको अपना एनरोलमेंट नंबर से लॉग इन करके दिखाया है ना, ये डेटा भी क्या है, सेंसिटिव है, फिर भी मैंने दिखाया बिकॉज यू गाइस आर स्टूडेंट और काफी देर से आप लोग कर रहे हैं क्लासेस, तो ये भी डेटा सेंसिटिव है। तो ये आपके ऊपर है कि आप डेटा शेयर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो जब आप क्वेश्चन एयर मैथड में इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि बंदा जो है आपसे अपना एज वगैरह जो है छुपाएगा, है ना, ठीक तरीके से नहीं बताएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके भी कुछ ना कुछ नुकसान है, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड में उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे, वैसे ही क्वेश्चन मेथड में भी ये भी इसका भी एक लिमिटेशंस है। ठीक है ना। नाउ दिस इज सो विद अदर मेथड्स ऑल्सो, डिफरेंट पीपल में इंटरप्रेट द डिफरेंट 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 इंटरप्रेट द क्वेश्चंस डिफरेंटली, एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर मे बी एरर्स एंड इनएक्यूरेसीज इन डेटा कलेक्शन। तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन को गलत समझा जाता है, गलत मतलब गलत नहीं, गलत मतलब
सपोज मैंने पूछा कुछ और आपने कुछ और समझ लिया, ठीक है, फेस टू फेस में क्या है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, डाउट है तो आप उससे पूछ लोगे, लेकिन अगर आप टेलीफोन पे कर सामने रहे हो, सॉरी मेल वाला क्वेश्चन एयर कर रहे हो, तो क्वेश्चन तो आपने भेज दिया है, लेकिन उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग क्या है तो वो आंसर भी गलत देगा समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें जो आपका डेटा निकल करके आएगा, जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगा, वो इनएक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर वन ऑफ द क्या बोलेंगे लिमिटेशंस है, ठीक है ना। हम लोगों ने मेथड्स किए, कौन कौन से मेथड्स किए जाते हैं, और हर एक मेथड का हम लोगों ने एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों ही हम लोगों ने तकरीबन डिस्कस किया और शॉर्ट में किया, हालांकि बहुत डिटेल में पॉइंट्स में नहीं किया बट किया, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। दैट सेड, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक गाइस? नो सर, नो, सब ठीक है, पढ़ लूंगा एक ठीक है। एक क्लास और करना है क्या? बार। यस सर, अभी तो हाँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं जा रहा हूँ डिनर करने, तो डिनर के बाद करते हैं, 9 बजे से। टाइम है सर। नो क्या आज डिनर दोनों तरफ मैच भी देख लेते हैं, दोनों मैच तरफ मैच भी देख लेते। मैच हाँ, मैच स्टार्ट हो गया, बारिश हो रही थी ना, सर चालू आपको भी होने वाला है देखने तो जाना है क्या दस मैच? मिनट नहीं, में, मुझे देखने नहीं जाना, पर मैं स्टेटस रखता हूँ कि क्या हो रहा है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो इम्पोर्टेंट तो है ही, यस क्या कोई नहीं। इसलिए मैं बोला तो पहले प्रैक्टिस 9 या फिर 9:30 कर सर। जी, चलेगा चलेगा, अब स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर, स्टार्ट कर दो सब चलेगा। कितने ठीक है बजे तो करने का अपने को? मैं डिनर कर लेता हूँ, आप लोग भी कुछ काम वाम कर लीजिए, अगर डिनर करना है तो आप लोग भी कर लीजिए, फिर व्हाट्सएप पे आप लोग से बात करके फिर हम लोग अगला क्लास करते हैं, ठीक है? ठीक ओके सर, है ओके सर, सर, सो ओके सर, थैंक यू, दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। या थैंक यू, वेलकम, बाय। थैंक यू।